Hello students, how are you? I am fine. I am Kuldeep Singh, your computer teacher. In previous videos, मैंने आपको बताया था how to make a database कैसे बनाना है, table create कैसे करनी है, table name कैसे देना था, database name कैसे देना था आपको और field generate कैसे करना था. आज हम सीखेंगे कि आप फील्ड कैसे एंटर कर सकते हैं, कैसे फील्ड डिलीशन करेंगे, इंसर्शन ऑफ डिलीशन ऑफ ए फील्ड इन टेबल्स. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले एमएस एक्सेस ओपन करने पर आपको एक डेटाबेस मिलेगा. सबसे पहले हम हाउ टू ओपन एमएस एक्सेस, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन और प्रोग्राम, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन एमएस एक्सेस ऑफिस 2007. ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं. हमने अपने एक डेटाबेस बनाया था एसटीडी स्टूडेंट्स डेटाबेस, और वो कहां पर सेव किया था, डेस्कटॉप पर. तो डेस्कटॉप से या तो आप वहां से डायरेक्ट ओपन कर लीजिए. यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट ओपन करते हैं तो आपका ऐसा ब्लैंक पेज आएगा, और यहाँ पर आप क्रिएट में जाइए, टेबल आपकी यहाँ पे टेबल आ गई है. आपकी पहले से एक टेबल बनी थी एसटीडी टी नेम से स्टूडेंट्स की, इसको ओपन कर लीजिए. ये आपने यहाँ पर फील्ड बनाए थे, फर्स्ट आपका रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, क्लास, सेक्शन, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट्स एड्रेस. आपने क्लास का कौन सा डेटा टाइप किया था, डेटा टाइप मैंने आपको सब बता दिए थे. डेटा टाइप आप क्लास का कौन सा देंगे, रोल नंबर का कौन सा देंगे, ऑटो नंबर, क्योंकि हमें ये एक सीरीज में नंबर चाहिए. इसके बाद स्टूडेंट्स नेम का डेटा टाइप बताइए, टैक्स डेटा टाइप, स्टूडेंट फादर नेम का यहां पे भी हम टैक्स डेटा टाइप लेंगे, क्लास का आप यहां पर क्लास का डेटा टाइप कैसा होगा, यहां पर आप नंबर ले सकते हैं. ठीक है, सेक्शन का डेटा टाइप होगा आपका अल्फाबेट, मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप टेक्स्ट ले सकते हैं और नंबर भी ले सकते हैं. टेक्स्ट में आप वो नंबर एंटर कर सकते हैं जिसको आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होगी. स्टूडेंट्स एड्रेस, इसका डेटा टाइप होगा आपका टेक्स्ट. चलिए, आपने यहाँ पर न्यू है रोल नंबर में, यहाँ पे आपने ये कोई भी वर्ड ना करिए, सूर्य. जैसे ही आपने एस प्रेस किया था वहां पर चेंज हो गया था वन, ये हो गया ऑटो नंबर राजेश कुमार. ठीक है, क्लास आपकी एट, सेशन एक, मोबाइल नंबर कुछ भी दे दीजिए, एड्रेस में कुछ भी डाल दीजिए. जैसे ही आप एंटर करेंगे और टैप करेंगे, ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. अब हमें क्या करना है, हमें करना है डिलीशन, किसी भी फील्ड में डिलीशन करना है. मुझे डिलीशन करना है मोबाइल नंबर, आप क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, जिस भी फील्ड को आपको डिलीट करना है उस पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहां से डिलीट कॉलम कर दीजिए. Yes. आप देखिए आपका क्या कॉलम डिलीट हो गया. एक बार और, अगर क्या करना है हमें, किसी भी फील्ड के नेम पे चाहिए जाकर वहां पे राइट क्लिक कीजिए. राइट क्लिक करने के बाद आपको टेबल ओपन हो जाएगी, वहां से आप क्या कर सकते हो,
कॉल डिलीट कॉलम कर सकते हो, ठीक है। डिलीट कॉलम पे आपने क्लिक किया, आपका यस एंड नो, यस कीजिए और वहां से आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आपको कोई फील्ड इंसर्ट करना है क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कॉलम कीजिए, फील्ड नेम आ गया, यहां से यहां पर आपका कुछ भी एंट्री आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब आप यहां पर फील्ड नेम चेंज करना है, कैसे नेम चेंज करेंगे, तो रीनेम कॉलम यहां से कर सकते हो आप, स्टूडेंट एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है, ये डाल आप ऐसे कर सकते हो। थैंक यू। आपका आज क्या हुआ, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एनी फील्ड एनी कॉलम, ओके, क्लियर।